तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत इंडोनेशियन कंपनी के एक फूड होलसेल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत इंडोनेशियन कंपनी की एक फूड होलसेल कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है। फिरियादी बाबूराव हरवा करंडे 58 वर्षीय संताजी नगर निवासी इंडोनेशियन फूड होलसेल कंपनी में पिछले 20 सालों से कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही हैं। रोजाना की तरह ही वे 16 तारीख को भी इतवारी शाखा के ICICI बैंक में कंपनी के 69,000 कैश और 21 चेक डिपॉजिट करने पहुंचे। इसी दौरान लाइन में खड़े रहने पर पीछे के एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि स्लिप में बहुत सी गड़बड़ी है, इसे ऊपर जाकर चेक करवा के आता हूं। इसी दौरान अपनी बातों में उलझाकर उस अज्ञात व्यक्ति ने कर्मचारी से 69,000 कैश लेकर 9:11 हो गया, जिसकी तलाश तहसील पुलिस कर रही है। काल दिनांक 16/23 रोजी इंडोनेशनल ट्रेडिंग कंपनी येथे काम करणारा कामगार बाबूराव करंडे ICICI बँकेत पैसे भरण्याकरता गेला होता कंपनीचे, आणि त्या दरम्यान तिथे लाईनमध्ये उभा असताना बँकेत एक अनोळखी इसम आला त्याच्या मागे आणि त्याला बोलला की स्लिप चुकीची भरलेली आहे, तर माझ्यासोबत चल, मी तुझी स्लिप भरून देतो, आणि अशा प्रकारे बतावणी करून त्याला खाली शिक्षक सहकारी बँकेत आणलं, त्याला बतावणी करत, आणि त्याच्यानंतर त्याला सांगितलं की तुझे पैसे आणि स्लिप माझ्याकडे दे, मी भरून देतो, आणि तू वर जाऊन 3 लाख रुपये घेऊन ये, अशी बतावणी केली। आणि ज्यावेळी बाबूराव करंडे वर गेला पैसे मागायसाठी, तेव्हा मॅडम बोलल्या की कसले पैसे आणि कोणी पाठवलं तुला, त्याला बोलू ना। त्यावेळी हा जेव्हा खाली गेला बाबूराव करंडे, तर ज्यांनी बतावणी केली तो युवक याचे 69,000 रुपये घेऊन तिथून निघून गेला। अशा बतावणीच्या याच्यावरनं आणि फसवणुकीच्या माहितीवरनं गुन्हा दाखल आहे आणि आरोपीचा शोध घेत आहोत। गौरतलब रहे कि देश में बढ़ रहे इस तरह के बैंक से रिलेटेड धोखाधड़ी के मामले में बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर सचेत करते रहता है, इसके बावजूद आए दिन इस तरह की फ्रॉड की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जरूरी है नागरिकों ने भी सतर्कता बरतने की। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।